शहर में, तेरे शहर में। क्या हुआ, पेपर कैसे हुआ? वो एक्चुअली रचिता माथुर जी, मैं आप ही रचिता माथुर हैं जी? प्लीज आइए, और रमा तुम भी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अच्छा ये बताओ, किस काम से आए? सुनो, 72 घंटे में तुमको फोन आएगा। स्नेहा माथुर का? अरे ऋषि माथुर की विधवा। अरे ऋषि माथुर वही जो 100 करोड़ घपले का किंग। सही पहचाने हो। लेकिन उसकी बीवी मुझे को फोन करेगी, वो तो मुझे जानती भी नहीं। अपनी हवेली गिरवी रखने के लिए तुमको फोन करेगी? अरे वही हवेली गजानन चौबे के घर के सामने वाली। अरे रात चलते आते जाते देखी होगी तुमने, हमारे लाल दरवाजे वाली है। वो तो कई सालों से बंद पड़ी है। वही। अब काम की बात सुनो, वो तुमको फोन करेगी और कहेगी कि उसको पैसों की जरूरत है, समझे? और अपनी हवेली गिरवी रखने की बात करेगी। तुम क्या बोलोगे बे? अबे वही बोलोगे जो हम कहेंगे। तुम बोलोगे जरूरतमंदों की मदद करना हमारा धर्म है, तो तुम धर्मात्मा बनके उसको पैसा दे दो। धर्मात्मा देखे हो? हाँ। और हाँ, हाथ के हाथ सारी कागजी कार्रवाई करके हवेली के सारे कागज अपने कब्जे में ले लेना। और मुद्दे की बात सुनो, एक बार कागज हाथ में आ गए तो कभी नहीं देना। पर ये तो लीगल मामला है, अगर वो मेरे सारे पैसे वापस कर देगी तो मुझे तो उसको कागज लौटाने पड़ेंगे ना। अरे शर्मा, ना नौ मन तेल होगा ना साला राधा नाचेगी, पैसा लौटाने की उसकी औकात तो कभी हम होने ही नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर, अरे बहुत जल्दी जैसे ही तुम वो पैसे उसको लोन में दोगे, सारे के सारे पैसे हम तुमको वापस लौटा देंगे, वो भी सूद के साथ। और तुम्हें बस हवेली के कागज हमारे हाथ में देने होंगे। लेकिन तुम इस झंझट में क्यों पड़ते हो? मुझे तो इसमें तुम्हारा कहीं कोई फायदा नजर ही नहीं आता। अरे शर्मा, रुद्र नफा नुकसान देखने वाले लोगों में से नहीं है। हमें जो चाहिए ना वो तुम नहीं समझोगे, तुम बस अपना फायदा देखो, बाकी सब हम देख लेते हैं। अरे शर्मा, गोल गोल घुमाते रहेंगे और बनारस की धूल चटवाते रहेंगे। वो क्या है ना, मोक्ष तो बनारस में ही मिलेगा। ये तुम्हारी दोस्त है इसके लिए मुझे लगा कि तुम्हारी तरह ईमानदार और निष्ठावान होंगे, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा मजाक करेंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं नहीं सर, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? ये देखिए क्वेश्चन पेपर, आप ही बताइए मजाक है या नहीं। देवी जी, आपको ये पता था ना, ये एग्जाम हिंदी पत्रिका में प्रूफ रीडर के लिए है, और हमारे यहाँ प्रूफ रीडर को जो पत्र इंग्लिश में आते हैं उनको भी हिंदी में अनुवाद करना होता है। और सच बात तो ये है कि ये एग्जाम था ही हिंदी की जांच के लिए। I am really very sorry, sir. ये बात मुझे पता ही नहीं थी। आपको अगर नहीं पता भी था तो हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का कम से कम इतना अपमान तो नहीं करना चाहिए था आपको। मोहन जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा ये देखिए, प्रश्न नंबर 3, इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में लिखें, इससे सरल और क्या हो सकता है? उत्तर में एक भी शब्द नहीं लिखा इन्होंने। सर, मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं क्या लिखती? न शब्दों के अर्थ पता है, न व्याकरण का ज्ञान है, और तो और संधि विच्छेद वाले प्रश्न भी खाली छोड़ दिए इन्होंने। और जिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो भी हिंदी और अंग्रेजी का कुछ अजीब सा मिश्रण है। सर, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रॉपर नहीं है। तो आपको परीक्षा देते वक्त ये ज्ञान नहीं हुआ कि आप गलत जगह आ गई हैं और आप गलती कर रही हैं? और अगर हो गया था तो आपको निरीक्षक को बताना चाहिए था। सर, मैंने बताने की पूरी कोशिश की सर, पर उन्होंने कहा कि चुपचाप अपना काम करो। आप बहुत गुणी हैं, लेकिन हमारी पत्रिका आपके लायक नहीं है। प्लीज आप जाइए, मेहरबानी होगी। रचिता जी रुकिए प्लीज।
रचिता जी, अंदर जो कुछ भी मैनेजर ने कहा उसे जाने दीजिए। पता नहीं क्यों उसने इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। और प्लीज आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारी वजह से हुआ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी हिंदी एक हिंदी मैगजीन के प्रूफ रीडर के लेवल की नहीं है। तो हमें लगा आपको पता चल गया होगा, अब हमें आपको स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई कर देना चाहिए था। आपको कैसे पता होगा कि मेरी हिंदी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं? और पहली बात तो मुझे वो क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आ रहे थे जो भी थे। मैं इतनी स्टूपिड हूँ, सारे होप्स लगा लिए मैंने इस जॉब वैकेंसी के साथ। मैं तो ये सोच भी लिया था कि ये जॉब मुझे मिल गई और मैं मम्मा को जाके खुशखबरी दूंगी कि मम्मा मुझे ये जॉब मिल गई, सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। पर हमें इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, और आप इस बात का बुरा मत मानिए, नौकरियां तो और भी है, हम ढूंढेंगे आपके लिए, इससे भी अच्छे अवसर आएंगे। और जॉब रिजेक्शन के लिए तो हमने डिप्लोमा कर रखा है, आप हमें देखकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस कहाँ से रखूँ जब घर पे इतना प्रेशर है, और हमारा और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी फैमिली को संभालना, और आज उसका फर्स्ट स्टेप था और मैं फेल हो गई। कि जब से यहाँ आई हूँ तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है, एक के बाद एक के बाद एक। मैं चलती हूँ। आप कहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आपको अपनी शॉप पर जाने के लिए लेट हो रहा होगा, मैं जाती हूँ। हाँ सिन्हा जी, हम सब तो ठीक है, पर ये हरी भैया की रिहाई में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है क्या? बस हो जाएगा सब, जल्दी हो जाएगा। क्या बात है सिन्हा जी, आपकी आवाज से लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, कुछ बात है क्या? अगर होगा तो मुझे बताइए। नहीं नहीं सिन्हा जी, वो क्या है कि एक और केस पे काम चल रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा उसमें बिजी था। ठीक है, वैसे ऐसी कौन सी फॉर्मेलिटी बाकी है मुझे बताइए जरा, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो। नहीं 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 स्नेहा जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ और रुद्र वहाँ संभाल रहा है, यू डोंट वरी। हाँ वो रुद्र भी बहुत परेशान लग रहा था। ऐसी कोई बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रहे हो? कुछ ऐसा है नहीं ना? नहीं नहीं स्नेहा जी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अच्छा स्नेहा जी, मैं जरा फोन रखता हूँ, थोड़ा जल्दी में। जी इतनी बड़ी पागल हूँ मैं, इंटरव्यू में अपना खुद का ही मजाक उड़वाया, बेइज्जती करवाई, और फिर रामा के सामने गॉड नोज क्या क्या बोल दिया। रचिती रचिती देखिए ना, मैंने बिल्कुल आपके जैसे लिस्ट प्रिपेयर करी है यहाँ पे। क्या हुआ है, आप पूरा दिन चुपचाप थे और अब यहाँ अकेले बैठे हो? जल्दी बताइए रचिती, क्या बात है, कुछ तो हुआ है? कुछ नहीं अमू, बस ऐसे बिना वजह टेंशन मत लो तुम। रचिती क्या हुआ है, कुछ तो बताइए मुझे। कुछ नहीं अमू, बस मन भरा है और कुछ ठीक तो हो नहीं रहा है हमारे साथ। देखिए ना रचिती, मैंने बिल्कुल आपके जैसे लिस्ट बनाई है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, स्कूल का नाम, उसका एड्रेस क्या है, और देखिए कॉन्टैक्ट सब कुछ है। और आप देखिएगा, कल जैस का एडमिशन मैं किसी ना किसी स्कूल में जरूर करवाऊंगी। आई मीन आई होप सो। होप कुछ फायदा नहीं होप करके, सब कुछ सच में नहीं होता है तब तक फालतू में एक्साइट क्यों होना? नहीं होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए होप करना बंद करो अमू, बी रियलिस्टिक। रचिती आप कह रहे हो, पर होप क्यों छोड़े रचिती? होप पे पूरी दुनिया टिकी हुई है और ये बात आपको भी पता है। तेरे शहर में,